इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। कर्नाटक सरकार कर्नाटक राज्य मंडली नोंद मस्जिद पेशमा मौजन वक् मंडल नोंद मदरस मौलिम कोविड अलियली हणकु परहार प्याकेज घोषित है। अदरली अर्जी सल सल ना वो नमून सिद्धपड़ी ಅದನ್ನು ಅವರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೇವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ। ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇರಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮದರ್ಸಾ ಇರಬೇಕು ಘೋಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ। ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳ ಮತ್ತು ಮದರ್ಸಾಗಳ ಯಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ವಕ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದಂತಹ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಕ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದಂತಹ ಮದರ್ಸಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೊದಲೇ ಅನರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ಗೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಇದು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೊಡಗುತ್ತಾರ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಇದರನ್ನು ನಾವು ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು। ರಿಯಾಸತಿ ಹುಕೂಮತ್ ನೇ ಜೋ ಫಂಡ್ ಜಾರಿ ಕಿಯಾ ಹೈ ವೋ ಸಿರ್ಫ್ जो मसाजिद रजिस्ट्रेशन है और जो मदारिस रजिस्टर है जिनको ऑलरेडी जो हदिया हुकूमत की जानिब से इमाम को 4000 रुपया 3000 रुपया मौजन को आ रहा है, इसके अलावा जो है ये हुकूमत ने जो है कोविड-19 के ताल्लुक से 3000 रुपये जो है अलाउंस किया है, ये उन्हीं रजिस्ट्रेशन मसाजिद को दिया जाएगा। और जो इमाम और मौजन मसाजिद रजिस्ट्रेशन हैं लेकिन ये हदिया नहीं ले रहे थे, उनको भी जो है इंशाल्लाह ये 3000 रुपये का पैकेज जो है हुकूमत की जानिब से मिलेगा। इसके लिए एक जो है फॉर्म हुकूमत की जानिब से आया हुआ है, ये फॉर्म है और ये सर्विस सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट भी के साथ में भर कर देना होगा और ये अप्लीकेशन फॉर्म है। और कोशिश की जा रही है कि जो अनरजिस्टर्ड मसाजिद हैं उन्हें भी ये हदिया मिले, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। रजिस्टर बोर्ड ने भी कोशिश की है, बोर्ड के मेम्बर ने भी कोशिश किया है कि अनरजिस्ट्रेशन जो मसाजिद हैं उनके लिए भी कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन फिल वक्त जो है जो रजिस्ट्रेशन है जो आइमा को मौजन को इमाम को 4000 रुपये मौजन को 3000 रुपये मिल रहे हैं, इसके अलावा जो है ये 3000 रुपये जो है उनके अकाउंट में इंशाल्लाह वो खाते में जमा कर दिया जाएगा। इनका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जो है मसाजिद के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ जो है जल्द से जल्द वक्फ ऑफिस में लाकर जमा कर दे, इंशाल्लाह उनके फॉर्म जो है वहाँ पर पहुँचा दिए जाए। अभी ये 15 तारीख तक जो है ये तारीख दी गई है, अब ये पूरे फॉर्म तो उनके अकाउंट नंबर्स के साथ में जो है ये बोर्ड में सबमिट किया जाएगा बेंगलुरु को और वो फौरन जो है वो अमाउंट जो है रिलीज हो चुकी है। जैसे ही अमाउंट रिलीज होगी उनके अकाउंट में उनके खाते में जाकर जमा हो जाएगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम मसाजिद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाए और आने वाले दिनों के लिए मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द
जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं मसाजिद वो रजिस्ट्रेशन करा ले, और हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इन्हीं मसाजिद को भी जो है कि ये जो फंड रिलीज हुआ है, बड़े जो वहाँ पर बेंगलुरु में हजरात बैठे हुए हैं वो हजरात कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द भी अमाउंट मिल जाए। ऐसे भी इंशाल्लाह हमारे सीओ साहब जो है एक कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम कर्नाटक में जो हमारे बड़े बड़े मसाजिद बड़े इदारे हैं कर्नाटक में, जैसे बेलगाम में जो बड़े इदारे हैं, जैसे तालुके में इदारे हैं, वो बड़े इदारे जो है छोटे इदारों को जो है नज़रसानी करें, और जहाँ पर करियों में इमाम मुअज्जिन की हालत जो ख़राब है, जो जो तनख्वाहें तक नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है कि उनको तनख्वाहें मिले और उनको राशन किट मिले। तो हमने बहुत सारे तालुके में ये काम कोशिश की है कि इमाम मुअज्जिन को इमाम मुअज्जिन के ताल्लुक से और उनके हालात के ताल्लुक से और उनके घरों के ताल्लुक से पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है। सर आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से अनरजिस्टर्ड मस्जिदों का मदरसों का वगैरह डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, आगे चलकर हम गवर्नमेंट से क्या तवक्को कर सकते, क्योंकि लोगों के दिलों में शक भी है कि कहीं अनरजिस्टर्ड मस्जिदों को लेकर कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं करेगी हुकूमत? नहीं, ऐसा तो कुछ भी है नहीं।